सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी 3210 और पाकिस्तान में छाया मातम। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और उसी रिलेटेड ये वीडियो है। और सॉरी हम लेट हो गए, चंद्रयान की वीडियो नहीं ला सके और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मदन, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल और इस्तकलाल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गुंज सुनाई दे रही है। 3 2 1 0। That's a very big, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है। इंडिया इन द स्पेस या इंडिया ऑन द मून चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी, अगर ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर सके। और एक तरफ आप देखें, दिल्ली नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं, ये सिग्नलिंग इंडिया करता है। यूएई, चाइना, हम इनकी तरफ देखते रहे और अब तो वजीर आजम साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो लोगों को की शक्ल देखने वाली होती है कि कहीं ये अब पैसे तो नहीं मांगेंगे। इंडिया जो है इसको अपने फायदे के लिए नहीं या सिर्फ अपने गर्ज के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए देख रहा है। टोटली एग्री। बट इससे पहले अगर बाकी 3 कंट्रीज की बात की जाए, अमेरिका, चाइना और रशिया की, तो उन्होंने हमेशा इसको स्पेस को वेपन्स के तौर पर यूज किया है। इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जो चंद्रयान है, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चांद तक पहुंचेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्रवार को अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। एलवीएम 3M4 रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया गया। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 को 1 अगस्त से चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने की योजना है। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करने की योजना बनाई गई है। इसरो के अनुसार उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया। चंद्रयान 3 यह चांद की कक्षा की ओर अपने सफर को जारी रखते हुए पृथ्वी के 5-6 चक्कर लगाएगा। इसके बाद वो चांद की तरफ सीधे आगे बढ़ जाएगा। यहां से उसे चांद कक्षा में प्रवेश करने में 5-6 दिनों का समय लग सकता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि जरूरी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरना शुरू कर देगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। दैट्स अ वेरी बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है। और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा फोर्थ ऑपरेशनल मिशन है। और इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जो चंद्रयान है, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चांद तक पहुंचेगा। और जारी बात है, ये जो चंद्रयान 3 की जो इशू जो इसका मिशन है, उस वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहाँ से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे और जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे। बेसिकली तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। मून की कंपोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन होगा। लेकिन देखिए, बैक इन 1970s जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, तो दैट वाज अ मिशन, दैट वाज अ टाइम जब इंडिया को एक मौका मिला कि वो ग्लोबल एलीट क्लब में बैठे जाके। उस वक्त अगर आपको याद हो कि बड़े थोड़े ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है, तो आप ये इमेजिन कर लें कि ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, डेवलपमेंट होगी। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे,
और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना एक 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 नई डेवलपमेंट है, और ये बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकता है जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया का एक ग्लोबल इमेज बहुत उठाएगा। ठीक है जी, इससे पहले चंद्रयान टू फेल प्रोजेक्ट हुआ था, जारी बात है ये बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन है, पंजाबी कहने ने खाला ही था करनी है, ठीक है जानते जाना, तो ये इंडिया अगर ये कर पाता है तो ये आप समझ लें कि इंडिया हिस्सा बन जाएगा अमेरिका का, चीन का, रशिया का, सोवियत यूनियन जब थी रशिया तो तब दे डिड इट। सो अब आप इमेजिन करें जैसे वो कहते हैं ना कि चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी अगर ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर सके, और एक तरफ आप देखें दिल्ली नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं, ये सिग्नलिंग इंडिया करता है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है, और फॉर एग्जांपल क्या है जी कि जी वो मोदी साहब किधर हैं, मोदी साहब फ्रांस हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है, अच्छा अच्छा पिछू क्यों है, पिछू जनाब वो चंद्रयान छाड़ता ना, ये है, दिस इज़ वॉट दे हैव बीन डूइंग। डॉक्टर जयशंकर किधर हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर जयशंकर तो इंडोनेशिया बैठे हुए हैं, अच्छा वो इंडोनेशिया में, और पीछे से जनाब ये जो चंद्रयान इज नोन एज बेसिकली जिसे कहा जाता है मून व्हीकल, ठीक है, और इससे संस्कृत के अंदर ये जो जुबान के अंदर, अब ये जो इनका मेरा ख्याल है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इन्होंने आज अभी 2:30 बजे के अरसा पहले वक्त पहले इन्होंने इसको छोड़ा है, और बहुत सारी दुनिया वहाँ मौजूद थी, बड़ा कुछ था, और मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग। अगर मैं इस वक्त कहूँ कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान 3 जो है उसको जो है वो रिलीज़ किया है वो, और ये अब आप देखें अगर ये लूनर सरफेस पे सेफली लैंड कर जाता है, ये कामयाब होता है वहाँ से डाटा कलेक्ट करने में, साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस करने में, चांद की कंपोजिशन को समझने में, तो ये आप समझ लें कि ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उधर अब जारी बात है एक एक तरफ तो इंडिया के अंदर ये सारी बातें शोर मचा के भाई देखो की हो रहा है, किस तरह हो रहा है, जनाब इंडिया ने जनाब चंद्रयान 3 जो है वो चलाता है, उधर मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं एंड दे आर हैविंग डिस्कशंस, और वो डिस्कशंस कर रहे हैं, और जिसे वो कहते हैं ना कि और वो फ्रांस के साथ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं, सो इससे तासर ये उभरता है कि भाई इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। जिस चीज पे बात करने जा रहे हैं भारत का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम मुल्क हैं, जिसमें तरक्की के बारे में बहुत कम मुल्क सोचते हैं, पाकिस्तान का तो खैर दूर दूर तक उस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, मगर आजकल हर जगह जो है ना पीएम मोदी के सर पर बस एक ही चीज सवार है, जैसे कोई ख्वाब देख ले और उसको ताबीर के लिए निकल पड़े ना, इस तरह से पीएम मोदी इस मिशन के लिए निकले हैं। आप भी इससे ना वाकिफ नहीं होंगे, चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रही हूँ, जिसकी कॉस्ट 650 करोड़ जिसका बजट रखा गया, बट फिर भी भारत ने पहले चंद्रयान 1 फिर चंद्रयान 2 और 3 के लिए भी अब तमाम मिशन प्रोग्रेस कंप्लीट करके पाया तकनील तक पहुंच चुके हैं और अंतरिक्ष लॉन्च होने वाला है, बल्कि आज ही 14 जुलाई को ही लॉन्च हुआ है। सो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद चंद्रयान 3 की, और सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च हो चुका है, और ज़ाहिर है अभी लैंड करने में तो टाइम लगेगा तकरीबन 40 दिन, तो बहरहाल फिर भी लॉन्च सक्सेसफुली हो चुका है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है अभी, तो आप लोगों को मुबारकबाद। और हम कल ये वीडियो नहीं बना सके लॉन्च की, और वैसे हमने देखी है सामने लॉन्च होते हुए, और बड़ा अच्छा तजर्बा है ये, और अगर तो वाकई ये अगर लूनर पे जो है वो लैंड कर देता है सक्सेसफुली तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, और आने वाले वक्त में वक्त जो है वो इंडिया का ही होगा। फिर ज़ाहिर है 3 मुल्क पहले हैं, चौथा मुल्क अभी शामिल हो जाएगा बीच में, और जो थोड़े से मुल्क हैं जो चांद पे अभी गए हैं उनमें इंडिया का नाम भी आ जाएगा, बिल्कुल थोड़े से हैं, 3 ज़ाहिर है पहले हैं, चौथा जो है अभी इंडिया बन जाएगा, तो हमारी दुआ है कि ये सक्सेसफुली लैंड हो और इंडिया जो है वो अपना मिशन मुकम्मल करे। ज़ाहिर है इंडिया ने मेहनत की है, पहले भी चंद्रयान 2 भेजा, थोड़ा वो सक्सेसफुल हुआ लेकिन वो आखिरकार तजर्बा जो है वो फेल हो चुका, लेकिन इंडिया ने हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने फिर से वही किया चंद्रयान 3 किया,
और अभी जो है वो वही मतलब कि अभी मेहनत कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे अपनी कोशिश में। और वहाँ पे अगर वो कुछ ना कुछ फाइंड कर लेते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे लैंड होगा, रोवर निकलेगा, और उसके बाद जो है वो फाइंड करेंगे, अगर कुछ जो भी उधर चीज़ें हैं वो सारी फाइंड करेंगे। और अमेरिका भी जो है वो इंडिया को देख रहा है अभी इसी सिलसिले में कि ये कब चंद्रयान थ्री जो है उधर पहुँचेगा और वहाँ से डाटा कलेक्ट करेगा और हमें बताया, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जहाँ पे मेरे ख्याल में जो इंडिया ने जाना है चांद पे, उसी जगह पे अमेरिका जो है वो सोच रहा है कि अपने जो है वो क्या कहते हैं उसको एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो भेजेगा, तो उसके लिए फिर वो डाटा जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो जो है वो नज़रें गाड़े हुए हैं। और बाकी ये है कि हमारी दुआ है कि सक्सेसफुल हो, और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों का जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है। और बाकी जो ये पाकिस्तानी डॉक्टर चीमा साहब हैं, इन्होंने जो बात कही है वो भी ठीक है, और इन्होंने डिटेल भी थोड़ी बहुत दे दी है, और जिसके वजह से समझना आसान हो जाता है, क्योंकि हम जो हैं वो वीडियो रिएक्शन तो ज़रूर करते हैं लेकिन हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी नहीं कि हमें नॉलेज होगी, हम वीडियो देखते हैं उसी हिसाब से फिर बात करते हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी सारी नॉलेज जो है चंद्रयान 3 के मतलब जो है ना वो हासिल हो चुकी है, जितनी वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं और कर चुके हैं, और 2019 में भी हमने की थी चंद्रयान 2 पे भी। तो बाकी ये है कि हमारी दुआ है कि सही सलामत जो है वो लैंड करे इस दफ़ा और अपना मिशन मुकम्मल करे और फिर इंडिया जो है वो आगे का सोचे फिर। बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी और काफ़ी सारे लोगों को होगा, बहुत सारा होता है मातम वाकई छाता है, इसमें कोई शक नहीं है, हसद भी एक चीज़ है, तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान को इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। और जैसे वो एंड पे भी कह रहे थे कि मोदी सरकार ने जो है वो एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, तो वाकई वो ख्वाब एक अच्छा ख्वाब है, इंडिया अपने को ऊपर लेके जाना, हर फील्ड में लेके जाना, स्पेस में भी लेके जाना, तो इंडिया जो है वो अपना ख्वाब पूरा करने की दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ ये देख रहा है कि इंडिया जो है वो दिन रात मेहनत कर रहा है और हम सिर्फ उसी के साथ हसद करना शुरू कर देते हैं, तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए, और लेकिन हमारे जो हैं वो ये नहीं सोचते कि आगे बढ़े हम और हम भी जाके स्पेस में जाएं या कुछ ऐसा करें, क्योंकि पहले बड़े ख्वाब फवाद चौधरी ने जब 2019 में ये फेल हुआ था ना चंद्रयान 2, फवाद चौधरी ने बड़ी धमाले डाली थी, फवाद चौधरी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे उस वक्त, ठीक है यही बात है ना, वो बड़ा खुश हुआ था कि वो फेल हो गया, ये ऐसे होगा वैसे होगा, और लेकिन और खुद से जज्बाती होकर जो है वो एक बात कह दी कि हम भी अगले साल जो है वो स्पेस में जाएंगे, यही बात कही थी ना उसने, तो तुम्हें नहीं पता छात्र की बात, तो उसने कहा था कि हम भी जाएंगे और बाद में खबरें मिली कि चाइना के साथ मिलके जो है वो ये करेंगे, चाइना लेकिन मुंह भी नहीं लगाता, और जाहिर है चाइना अगर ऐसा करेगा तो फिर पाकिस्तान का भी नाम ऊपर आ जाएगा, लेकिन चाइना नहीं आने देगा क्योंकि चाइना अपने नीचे दबा के रखना चाहता है, सीधी सी बात है, और मदद भी इसीलिए कर रहा है, फ़ायदा लेता है, वैसे तो कोई मैं क्या कहूँ अब कोई अल्लाह वास्ते तो करता नहीं है, तो बाकी ये है कि पाकिस्तानी ने छोड़ दी बड़ी बड़ी कि हम भी जाएंगे, किधर है यार बोस लॉन्च करने वाला, नहीं और उसने कहा था हम अपने एस्ट्रोनॉट भेजेंगे कंप्यूटर में होगा सारा कुछ तो पता नहीं किधर है यार वो, तो रियलिटी तो बाकी ये है कि वाकई जी इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और मुबारकबाद बनती है आप लोगों के लिए, और दूसरा ये है कि पाकिस्तानी को भी चाहिए कि कुछ सीखें इनसे, बस हसद नहीं करें, हसद पेशा करें लेकिन अच्छे के लिए करें, तो बाकी ये है कि वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देख के, और आप लोगों को फिर से हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद जी। बिल्कुल जी, बाकी ये है कि स्पेस में एक ज़बरदस्त कदम है इंडिया का जी, बिल्कुल, तो तीन ही मुल्क हैं जो मून पे लैंड कर चुके हैं, तो अभी चौथा मुल्क इंडिया बनने जा रहा है, कोशिश कर रहा है, बड़ी बात है, तो हिम्मत तो की है इन्होंने, देखो बजट भी बहुत बड़ा है जिसके लिए बहुत मेहनत की गई होगी, कितने लोगों ने दिन रात इस पे मेहनत की होगी, तो बड़ी बात है जी, इससे अभी अल्लाह करे, अभी इधर से चला तो गया, बाकी अल्लाह करे लैंड भी ऐसे आसानी से हो जाए, और बाकी यार इसके आगे की ये बात है कि ये इंडिया का अभी काम ये तजर्बा करना ज़रूरी था, अगर काम इंशाल्लाह कामयाब होगा
तो उसके बाद यह है कि उधर जो है ना दूसरे जितने भी नासा वाले हैं या दूसरे हैं वो बस्तियां बसाने चाहते हैं, तो अच्छी बात है अगर इंडिया का ये मून पे लैंड कर जाता है तो ज़रूर डेटा रिकवर होगा, उसमें बहुत सी बातें इंडिया जान सकेगा कि इसमें क्या बस्तियाँ बन सकती हैं, क्योंकि दूसरों ने तो इस पर बहुत सी मेहनत की है, कोशिश की है कुछ जानने की। देखो अभी ये स्पेस है, इसकी बात अभी देख लो बहुत से मुल्कों ने कोशिश की है, पर तीन ही मुल्क लैंड कर चुके हैं और फिर भी इसमें कुछ ना कुछ डेटा ऐसा होना चाहिए कि आने वाले वक्त में उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो इंडिया बिल्कुल इसमें उम्मीद, मेरे को तो पूरी उम्मीद है कामयाब होगा और उस पर डेटा रिकवर करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या अच्छा है वहाँ क्या बुरा हो सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ बुरा होता है तो वो इंडिया ज़रूर नासा वालों को सबको बताएगा। तो ये बड़ा अच्छा कदम है यार ये स्पेस में देखो इतना अभी तक खास हमको जो कामयाबी नहीं मिल सकी, बहुत से मिशन गए हैं, तो अभी ये नए मिशन जो है ना ये आने वाले दौर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको पता है 2026 में जो है ना ये दूसरे भी किसी सियारे की तरफ जाने की कोशिश है, तो स्पेस में कामयाबियों के लिए तो बहुत से मुल्क कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी इंडिया भी इसमें अभी कोशिश की है, कामयाब होगा तो बहुत से डेटे की वजह से बहुत कुछ आसान हो सकता है। तो बिल्कुल ये मेरी भी दुआ है, हमारे सब टीम की हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि इंडिया इसमें कामयाब हो और डेटा रिकवर करे और आने वाले वक्त के लिए कुछ अच्छी खबरें मिल सके हमें। बिल्कुल वेरी अच्छी थी नो डाउट, और अगेन हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और ये फख्र की बात है कि थर्ड टाइम वो फिर ट्राई कर रहे हैं, और जिसमें पाने की लगन होती है वो एक बंदा उस अज़म से चला होता है कि यार मैंने करना है, आई हैव टू डू इट, तो वो आगे बढ़ता है, वो करता है कुछ ना कुछ कोशिश करता है, हाथ में हाथ रहे बैठे या एट द एंड बिहाइंड द सीन, मतलब के कमेंट्स पास नहीं करता इस तरह की जैसे फवाद चौधरी की बात हो रही है, एज अ पाकिस्तानी तो अगर करना था तो वो चुप करके लोग कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड शोर मचाते हैं जब वो कामयाबी की। वही बात मैं करने वाला था कि जो आप लोगों के मीडिया हैं उनको थोड़ा सा समझाइएगा, वो ना पता क्या है ये पाकिस्तान में है नून लीग वाले जो पटवारी हैं ना, वो कोई भी न्यूज़ आती है ना तो साथ ही मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देते हैं फटाफट, लेकिन बाद में वही मिठाई जो है उनको हजम नहीं होती और वो जो चीज़ होती है ना वो उल्ट हो जाती है, अक्सर होता है, तो वो ज़्यादातर उनके साथ यही हुआ है। तो वही चीज़ जो है ना ये जो मीडिया वाले हैं ना ये ज़्यादा मतलब ओवर हो जाते हैं, फिर बाद में जब ऐसा कुछ ना कुछ गलत हो जाता है ना तो फिर जो है वो मूंछ पाते फिरते रहते हैं, तो इसलिए बेहतर यही है कि एक दफा लैंड हो जाए सक्सेसफुली उसके बाद मैं कहता हूं कि फुल बड़ा जश्न चक देने चाहिए। हां फिर बड़ा जश्न हो जाए, उनका ग्रुप इकट्ठा होता है, बेसिकली मीडिया वाले की बात नहीं कर रहा, ये अंदरूनी सेल की बात कर रहा हूं, जो उस वक्त जब ये लॉन्च होता है अंदर जितने भी बंदे खड़े होते हैं और जो जिस जिस चीज़ में वो जिस जिस फील्ड में वो अपने हैं वो उसमें बैठे होते हैं, लेकिन दो बंदे या तीन वो होते हैं जिन्होंने इस चीज़ को क्रिएट किया है, उनका माइंड सेट है पीछे, उनका परेशान बैठे होते हैं, वो एक एक सेकंड की खबर उनसे ले रहे होते हैं कि क्या हो गया है, किधर जा रहा है, कितने किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, अब ये कहाँ पे है, जैसे उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग के दौरान वो सिलेंडर लगे होते हैं साइड पर जो बूस्ट करते हैं उसको लेके जाते हैं अल्लाह तक, वो रिलीज़ करने होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं, वो फर्स्ट प्रोसेस होता है आपका, फर्स्ट मेरे ख्याल में लॉन्चिंग का होता है, सेकंड वहाँ पे जाके उसको रिलीज करना होता है, थर्ड वो ओजोन लेयर के ऊपर मतलब वो चला जाता है, वो खराब जाता है, तो उसके बाद वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मंजिल की तरफ जाएगा, उसके बाद वो फ्रंट उसका ओपन होगा, वो लैंडर उसमें से वो जो है चंद्रयान लैंड करेगा, उसके बाद फिर उससे रोवर निकले चंद्रयान जो, हाँ बिल्कुल, वो उसके बाद वो लैंड करेगा, लैंड करने के बाद वो मशीन निकलेगी, और बेसिकली ये पूरा इन 3D उन्होंने दिखाया था कि किस तरह ये प्रोसेस करेगा। और चांद पे मेरे ख्याल में ऑलरेडी वो जा चुके हैं, मुल्क उन्होंने इतनी सर्च करनी थी, वो सर्च में तो आगे होंगे नो डाउट, लेकिन यह है कि इंडियन लोग जो हैं, इंडियन साइंसिस जो हैं मेरे ख्याल में जो ये काम कर रहे हैं, इन्होंने पानी ढूंढा है, और नासा वाले परेशान थे इस चीज़ पे कि इनको कैसे पता चल गया, इनको कैसे पता कि हम ढूंढ रहे हैं कब से हमें नहीं मिल रहा, इनको मेरे ख्याल में नासा वालों को दराड़ मिली थी, वो दराड़ पड़ी हुई थी और उसमें वो सारा उन्होंने कहा जी यहाँ पे पानी है, वहाँ पे मौजूद भी था लेकिन इंडिया ने भी ढूंढ लिया और इससे ज़्यादा था वो ढूंढ लिया इन्होंने, तो जो डार्क साइड है चांद की उस पे जाने की कोशिश कर रहा है नासा, उनकी मैंने रिपोर्ट देखी थी कि वो चाहते हैं कि जो डार्क साइड है वो पूरी की पूरी हम होल्ड करें, तो वो डार्क साइड क्या है, वो जहाँ पर रोशनी नहीं पड़ती सूरज की, मे बी वो डार्क साइड है वो घूमती रहती है और मिड में वो रहती है, और वहाँ पर ये अपनी मतलब पूरा एक समझ लें कि छोटा अमेरिका या सेकंड अमेरिका बसाना चाहते हैं,
तो फिर उनका उन्होंने बताया एक कयास राय की कि इस इधर बस्ती बसा के इधर शहर बसा के फिर वो जो आगे सियारे हैं उन पे ये सर्च करेंगे, ये ज़मीन से चांद पे चांद से आगे ये इस तरह कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है और देख लें इंडिया ने इतनी मेहनत की है, फर्स्ट टाइम ट्राई की, फिर सेकंड टाइम और थर्ड टाइम जो है वो कर रहे हैं और बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि अभी हो जाना चाहिए और इंशाल्लाह होगा होगा। उन्होंने कहा कि हमें लैंडिंग गियर नहीं प्रॉपर मिल रहा था, तो उन्होंने कहा लैंडिंग गियर अगर हमारा यूज करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे साथ भी हुई है। तो हम नहीं चाहते कि आपका मिशन इतना बड़ा जो है नाकाम हो, छोटी सी बात नहीं है ये। तो ये चीज़ें जो होती हैं कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ये उनको पता होता है, कुछ चीज़ें जो हैं वो उन्होंने हाइड रखी होती हैं और वो होनी भी चाहिए, सीक्रेट होती हैं। बाकी है कि कोशिश कर रहा है इंडिया और इस पे ही मुझे बड़ी खुशी है। बिल्कुल, कि एक बंदा भी कोशिश कर रहा होता है तो पता होता है यार स्ट्रगल कर रहा है बंदा, अच्छा है, उसकी तारीफ होती है, तो बिल्कुल इंडिया की तारीफ होनी चाहिए। अभी जो है वो तकरीबन 40 दिन बाद जो है वो कोई ना कोई अच्छी खबर आएगी इंशाल्लाह, लैंड करेगा और उस वक्त का इंतजार रहेगा 23-24 अगस्त तक। होप फॉर अ गुड जी, और उम्मीद की जाती है कि अच्छा ही हो, क्योंकि इतना बड़ा मिशन हो, सारी दुनिया की नजरें आप पे हैं और हम जो रिएक्शन देते हैं हमारे लिए भी खुशी की बात होगी और हम भी एज अ पाकिस्तानी लेकिन एज अ लवर इंडिया लवर हैं, इंडिया के वेल विशर हैं ना, तो नो डाउट के उसकी वजह से जो है वो हमें खुशी होगी कि यार इंडियन का चंद्रयान जो है वहाँ पे लैंड किया और मून पे क्या पहला कदम जो है एक किस्म का इंडिया ने फोर्थ पोजिशन ही से लेकिन लैंड किया है। ज़बरदस्त वीडियो थी और अगेन हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह वो लैंडिंग की भी होंगी, उसमें डिटेल भी होगी, उस पर भी रिएक्ट करेंगे। तो इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।